ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਜੀ 85 ਸਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 85 ਰਨਸ ਕਮਸ ਅਪ ਗਿਆਰਾਂ ਓਵਰ ਮੁਕੰਮਲ 6 ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ तू टाइटल लगा मैं शेयर करता हूँ स्ट्रीम ठीक है तो मेरा पता पौना घंटा बह ही मंगे और हाँ जल्दी कर जल्दी बस मेरा भाई और नादिन 11 शरीर 3 बॉलों पे 88 रन कम्स अप 3 स्कोर 3 बॉलों पे और चौथी बॉल बीट हुई पांचवी बॉल भी यहां पे बीट और सोधी है और हमारे पास इस टाइम कौन लगा कोई भी नहीं ये सोधी ही लगाया वाओ लास्ट बॉल दिस आवर कराने लगे और बॉल बीट करवाई 88 रन्स 12 ओवर के इख्तिताम पे स्ट्रीम शेयर करके फाइनली जीत गया चौका लगा के फाइनली पाकिस्तान वन द मैच पाकिस्तान विन बाय 7 विकेट भाई मैनु पता की लगता ही हुकूमत रुड़ गई पाकिस्तान वन बाय 7 विकेट फाइनली जी कंग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान शानदार बॉलिंग की यहां पे पाकिस्तान के बॉलर ने शानदार किस्म की बॉलिंग हुई और यहां पे मोहम्मद रिजवान खराज तहसीन के हकदार
लख लानत मानव है गलती करना पक्का नहीं। मैं तुम्हें एक गल दसा सिफरान एडा वड्डा फसाद पैना ई इन्ना वड्डा फसाद पैना ई इंदे इंदी लपेट कोई से भी नहीं बचना ही बड़पा नहीं। और वेख फिजान एक गल अल्लाह जाने अल्लाह बेहतर जानता है इन्हें नजूमिया ने क्यों बाद चल जाना उन्हें क्या सी कि जून मई जून पाकिस्तान अप्रैल एंड मई आ गए हाँ लै पै गया फसान यार इस टाइम जितने भी 3 लोग देख रहे हैं 10 लोग देख रहे हैं जितने भी देख रहे हैं उन सब गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। माशाल्लाह जी पाकिस्तान फाइनली जीत चुका है और कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तानियों अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत चुके हैं। जी कंग्रेचुलेशन हुसैन साहब ऐसी किन्ने करनी सी टैक्स भी लाने से हूँ मैं आप ही ला रहा हूँ नो तू रहन दे नादीन हो यार जितने भी इस टाइम लाइव देखते हैं उनको बताते हैं पाकिस्तान फाइनली की मैच जीत चुका है और जीतने की हमारी शानदार हमारा वही जो बॉलिंग सर्कमस्टांस है हमारा पाकिस्तान का उसकी बदौलत ही जीता है और नहीं जीत नहीं तस्वीर तस्वीर करनी है यहाँ पे अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करता जाऊं तो साइन में जो बाबर आजम और उस्मान खान सब चवले मार के गए हैं। उस्मान खान ने अपना कैरियर कमाल कर लिया। पाकिस्तान ने 5-6 मैच खेलने का मतलब जल्दी लग गई लग गई लगनी की थी लग गई
यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो पाकिस्तान के बॉलर ने विकेटें ली उसके मुतालिक। और किवें मियाँ साहब, हुकूमत जा नहीं रही, हुकूमत चली गई है, उस्मान खान जा नहीं रहा, उस्मान खान भी चला गया। एडोला बहुत बड़ा पैना है, फसाद पै या नहीं, और मैनू लग रहा पूरे मुल्क है बहुत बड़ा फसाद पेगा। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पे मौजूद है कि पाकिस्तान में किन किस बॉलर ने कितनी कितनी विकेटें ली, और ये आप वो मुलाहिजा फरमाएं और आप बताएं कि ये आपको किस तरह का ये भी चीज़ लग रही है हमारी। हम नई नई ट्रिक्स अप्लाई करते रहते हैं अपने तमाम देखने वालों के लिए। ये आप लोगों को किस तरह लग रहा है? ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है जो गिरी रेत की दीवार साबित हुई, और पाकिस्तानियों ने यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करूँगा आमिर को, शाहीन को, पाकिस्तान बॉलर को, शदाब को। नाज़रीन चेक करें, हाय 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 हाय, नेक्स्ट लेवल है कि नहीं है काम यार। अगर आपको इतनी सी भी अच्छी लग रही हो ना, ये हमने खुद स्कोर कार्ड बनाया हुआ था तो लाइक तो बनता है ना फिर भाई की मेहनत है, तो इस तरह विदाउट लाइक अगर आप जाओगे तो छोटा सा दिल है भाई का तो वो टूट जाएगा। यार जल्दी से जल्दी सिर्फ 5 सब्सक्राइबर जोड़े वो करवा दें। और ये चूतिया उठाया जाएगा, देख ली चूड़िया नहीं है।
यार अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है स्ट्रीम तो काइंडली छोटे भाई का चैनल है सब्सक्राइब, वीडियो को बस शेयर कर दो यार, मैं और सब्सक्राइबर भी नहीं कहता आप लोगों से। मुझे पता आप लोग शर्माते हो, पाकिस्तानियों को ना ये बहुत आदत है, ये शर्मीली बहुत होती हैं, ये ना शर्मा जाती हैं छोटी छोटी बात पे। कॉपी करनी सी ऑनलाइन, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है जी, आप जो ऊपर मुलायदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सैन भाई सही कह रहे हैं जी, जो भी नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यार अगर आपको अच्छी ज़रा सी भी अच्छी स्ट्रीम लग रही है, 3 लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाएं। ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप जा रही है जी, आपको बताता जाऊं, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप जो कि पाकिस्तान के जिस बॉलरों ने जिस तरह विकटे नहीं। पबजी खेली, मेरी बात सुन, जब खेली है मुझे इधर मैसेज कर दी यूट्यूब पे लाइव हो, ठीक है फिर मैं थोड़ा स्क्रीन बंद कर दूंगा। हाँ ओके,
जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे बताता जाऊँगा, ये न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप जा रही है, पाकिस्तान 3-7 विकेटों से मैच जीत चुका है। कंग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान और टीम पाकिस्तान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीत लिया है। और अगर मैं कल की बात करूँ तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल में भी मैच ना हो क्योंकि बारिश का काफ़ी ज़्यादा वेदर अपसेट है कल, और देखें कल मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता। यार एक मैं छोटा सा पोल पर मैं लगा, काइंडली उसमें साल लोग इंसाले यार, ये एक छोटा सा पोल और आपको दुमान देखने को बताता जाऊँ कि इस टाइम पाकिस्तान मैच जीत चुका है, ठीक है, 6 घंटे लगातार स्ट्रीम करने के बाद रामजी की आत्मा सूख जाती है। यार ये एक छोटा सा ना पोल करवाया है तो प्लीज यार इसमें सब लोग ना कंट्रीब्यूट करें। यार आप लोग इतने इतने बड़े यूट्यूबरों को आप बना देते हो, प्लीज यार हाथ जुड़े हैं, मुझे भी सब्सक्राइब कर लो यार। आपको शायद मैं आपको ये बता दूं कि शायद मैं भी अगले महीने में स्ट्रीम ना कर पाऊँ क्योंकि जो हमारे इस टाइम मेरे हालात जा रहे हैं तो नेट के पैसे नहीं होने, तो क्या प्लीज़ यार आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब करो यार। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत बना गुजारिश है, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
भाई मेरा पंखा बंद करी, लाइट भी बंद कर दे, तो निकी पहले लाइट बाल कर दी। यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर गिज ना भूलें। यार आप लोगों से सीधी बात बताऊं तो मैं अगले महीने स्ट्रीम नहीं कर सकता, मेरे इस टाइम जो माली हालात हैं, तो जो भी देख रहे हैं यार रिक्वेस्ट है अगर शेयर करी जाओ स्ट्रीम भाई की, जितनी हो सके सपोर्ट करो। Sexy body for the tides.